कैंट थाने की पुलिस ने लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अंकित गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता निवासी मालनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा चंदन प्रजापति पुत्र दूधनाथ निवासी मालनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि अंकित गुप्ता और चंदन प्रजापति दोनों अच्छे दोस्त हैं। अंकित एक साल से इंदौर में रहकर पेंट पॉलिश का काम करता था, गोरखपुर 15 दिन पहले ही आया था, अपने दोस्त चंदन प्रजापति के साथ मोबाइल छीनने का काम कर रहा था। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि अंकित अपनी बहन के घर नौशर में अपने दोस्त चंदन को साथ में लेकर एक दिन से रह रहा था और अपने जीजा जी की गाड़ी हीरो एचएफ डीलक्स लेकर घूमकर नशे के शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल छीनने का काम करते थे। रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा पकड़कर वादी अपने मामा के घर घासीकटरा जा रहे थे कि गोलघर काली मंदिर के पास हीरो एचएफ डीलक्स गाड़ी से सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया और भागने लगे। घटना की तुरंत जानकारी होने पर बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिनके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राजेश यादव, संजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में लुटेरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में गोरखपुर पुलिस अभी तक सफल रही है। इसी अनुक्रम में आज अवगत कराना है कि कल शाम के समय 4:30 बजे के आसपास गोलघर मार्केट के पास एक व्यक्ति ई रिक्शा से उतरकर अपने घर घासीकटरा की तरफ जा रहा था, तभी एक एचएफ डीलक्स पर सवार दो लोगों ने उसको घेर कर उससे मोबाइल छीनने का प्रयास किया और मोबाइल छीन कर जब वो भागने लगे तो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को बताया। इसके बाद में पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और उन दोनों लड़कों को, जो जिन्होंने अंकित गुप्ता और चंदन प्रजापति हैं जिन्होंने मोबाइल लूटा था, उसको उसी समय वहाँ पकड़ लिया गया और आईपीसी 393 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनका अभी तक कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस तरह का जो लूट की है उसको तुरंत रोका गया। थैंक यू।